अस्सलाम वालेकुम। कराची में पुलिस के भेस में डाकुओं ने बंगला लूट लिया, मालिक को अगवा कर लिया। वारदात ने शहर भर में तहलका मचा दिया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि गुलशन मेमार में सादा लिबास अफराद की बंगले में घुसकर लूट मार, अहले खाना को सर चोरन के नाम पर यरगमाल बना लिया और दो भाइयों को अगवा करके अपने हमरा ले गए, जिसमें से एक को कुछ दूर जाकर उतार दिया जबकि दूसरे का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। गुलशन मेमार के रिहायशी और मुतासिर शहरी अतीक बाजवा ने घर में होने वाली वारदात के हवाले से बताया कि 8 जून की रात कुछ मुसल्ला अफराद दीवार पलांग कर और गेट पर लाते मारते हुए दाखिल हुए। सादा लिबास मुसल्ला अफराद ने चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए सबको यरगमाल बनाकर मेरा और मेरे भाई का मोबाइल पर्स अपने कब्जे में ले लिए और घर की तलाशी के दौरान अलमारी में रखी नकदी 4 लाख रुपए, तलाई जेवरात, लाइसेंस याफ्ता असलहा और दीगर सामान भी लूट लिया।